तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि यार हम लोग ये वाला घर क्यों सेल कर रहे हैं, और ये एक सेकंड रीजन है जो हमने सोचा कि इस घर को अभी फिलहाल के लिए। यहाँ पे एक तो इतने सारे टैक्स होते हैं, समझ में ही नहीं आता। हमने जब हम ये रिसर्च कर रहे थे घर को खरीदने बेचने की, तब हमें पता लगा कि हेलो गाइस, सो वेलकम बैक अगेन टू अनदर व्लॉग ऑफ आवर होम बाइंग सीरीज। तो व्लॉग के टाइटल से आप लोगों ने देख ही लिया होगा या थंबनेल से आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि ये वाला घर जो है तो इट्स फाइनली सोल्ड। और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पूरा प्रोसेस क्या होता है अगर आप यहाँ पे घर सेल करते हो, और बताएंगे कि हम लोगों ने अपना घर जो है वो क्यों सेल किया है एंड व्हाई वी डिडंट कीप दिस हाउस, और क्या रीजन है उसके पीछे। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो। तो अभी भी याद है यार मुझे, जब 2018 की बात है, 2017 में मैं यूके आया था और अभी तो यहाँ पहले से ही थी। तो उस टाइम पे हम लोगों का बिल्कुल ऐसे प्लान सडनली बन गया था कि यार चलो घर लेते हैं, 2018 की बात है ये। और हम लोगों ने ये वाला घर देखा, हमें इतना ज्यादा पसंद आया था और ऐसा था कि यार मतलब फर्स्ट होम है और हम मतलब खरीद ही ले बस किसी तरह। पैसे तक नहीं थे हमारे पास, हमने सेविंग करना स्टार्ट किया था, बट हमने सोचा हमें घर ये पसंद आ गया तो किसी तरह हम लोग जो है इसको डिपॉजिट वगैरह इकट्ठा करके हम ये वाला घर ले लेते हैं। उस टाइम पे लकीली हमें हेल्प टू बाय जो स्कीम है वो मिल गई थी। तो हेल्प टू बाय में एक्चुअली क्या होता है, जब गवर्नमेंट आपकी हेल्प करती है 20% देके, तो वो 25% डिपॉजिट हो जाता है और मोस्टली लेंडर्स जो है वो आपको मॉर्गेज जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं इवन इफ यू आर ऑन वीजा। तो वो सारी चीजें हमारे लिए बहुत अच्छी रही और हम ये घर खरीद पाए उस टाइम पे जब हमारे पास इतनी डिपॉजिट की सेविंग्स भी नहीं थी, बट वी वर लकी एंड वी गॉट द हाउस। तो अभी यहाँ पे पोहा बना रही थी और साथ में मैंने सोचा मैं चाय रख देता हूँ, चाय और पोहा बढ़िया हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं थोड़ा आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि अब तक का हमारा प्रोसेस वो क्या हो गया और आगे प्रोसेस जो है वो थोड़ा बहुत बता देता हूँ कैसे होगा। बाकी जैसे जैसे हम लोग आगे प्रोसेस में बढ़ेंगे आपके साथ सारी चीजें शेयर करते जाएंगे। सो सबसे पहले आपको पता है यार, हम लोगों ने अपना घर जो है वो मार्केट में लगाया था और मार्केट में लगाने के लिए जो एस्टेट एजेंट्स होते हैं उन्हीं के साथ लगाना होता है। वो लोग जो है आपके घर पे आके पहले वैल्यूएशन करते हैं घर की, कि घर की वैल्यू कितनी है लोकल मार्केट के अराउंड। आप ऑनलाइन वैल्यूएशन कर सकते हो बट ऑनलाइन वैल्यूएशन जो है वो करेक्ट नहीं होती है, बिकॉज ऑनलाइन वैल्यूएशन जो टूल्स होते हैं जूपला राइट मूव जो होते हैं वो हमेशा जो है वो घर का एरिया साइज के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू बताते हैं। तो बेस्ट यही रहता है कि एजेंट्स ही जो है यहाँ पे वैल्यूएशन करें और उनकी वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग आपको घर जो है वो मार्केट में लगाना होता है। तो वो हमने मार्केट में लगाया था, राइट मूव, जूपला, ऑन द मार्केट, सारी वेबसाइट्स पे घर जो है वो लाइव हो जाता है और फिर जो व्यूइंग स्टार्ट हो जाती है, जो लोग इस घर को लेना चाहते हैं वो लोग यहाँ पे आते हैं, व्यूइंग करते हैं। तो काफी सारी व्यूइंग हुई इसकी और काफी सारे जो पोटेंशियल बायर्स होते हैं वो आते हैं, तो उसमें से ऑफर्स आते हैं आपके पास, फिर जो ऑफर्स आते हैं उसमें से आप एक ऑफर जो है वो एक्सेप्ट करते हो। तो अभी के लिए हम लोगों ने एक ऑफर जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है, और अब जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है उसके बाद क्या होता है, उसको बोला जाता है सोल्ड सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि सोल्ड हो गया बट सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट है, अभी तक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन नहीं हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले का प्रोसेस बहुत लंबा होता है। तो अभी जैसे हमने एक्सेप्ट कर लिया है सारा का सारा, मतलब एक्सेप्ट कर लिया हमने ऑफर, उसके बाद हम अपना सॉलिसिटर हायर करेंगे, जो बायर पार्टी है वो अपना सॉलिसिटर हायर करेंगी, दोनों सॉलिसिटर आपस में काम करेंगे। उसमें क्या होता है, प्रॉपर्टी सर्चिज होती है, जो लेंडर होता है वहां से वैल्यूएशन होती है, वहां से मॉर्गेज ऑफर आता है जो भी बायर है इस प्रॉपर्टी का, और जो हम है हमारे लिए रिडेम्पशन लेटर लेना पड़ता है। तो काफी सारे प्रोसेसेस होते हैं आगे, तो वो सारे के सारे प्रोसेस जो है वो सॉलिसिटर करता है। और यूके में लीगल रिक्वायरमेंट है कि आपको सॉलिसिटर हायर करना पड़ता है अगर आपको घर सेल करना है, बट एजेंट को हायर करना लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपका कोई दोस्त आपका घर खरीदना चाहता है तो आप प्राइवेटली भी सेल कर सकते हो, यू डोंट हैव टू गो टू द एजेंट टू सेल द हाउस, बिकॉज एजेंट की भी अपनी फीस होती है। जनरली अगर मैं आपको बताऊं तो 1 to 1.5% फीस जो है वो एजेंट लेता है, जितने का भी घर जो सेल होगा उसका 1 to 1.5% जो है वो आपको एजेंट को देना पड़ेगा प्लस VAT। तो ये जो है वो एजेंट की फीस है। तो जब आप घर सेल करते हो तो आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया होना चाहिए कि अगर आप घर सेल कर रहे हो तो घर उसमें क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, एजेंट की फीस इन्वॉल्व होगी, लीगल फीस इन्वॉल्व होगी, सॉलिसिटर कितना चार्ज करेगा, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो जनरल प्रोसेस यही होता है और इसी प्रोसेस पे अभी हम लोग हैं। तो ऑफर एक्सेप्ट हो गया है, सोल्ड सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, अभी सॉलिसिटर का प्रोसेस स्टार्ट होगा और आगे की तैयारियां जो है वो करेंगे। फिर हम बन के तैयार है यहाँ पे, साथ में बन रही है चाय, शाम का हमारा पोहा और चाय एकदम से रेडी है और हम बैठ के आराम से एंजॉय करेंगे। उससे पहले मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे घर खरीदना और बेचना इतना भी आसान नहीं है, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं और बहुत सारी चीजें होती है जिसका आपको ध्यान रखना होता है। यहाँ पे प्रॉपर प्रॉपर्टी सर्चेस की जाते हैं, एनवायरमेंटल सर्चेस की जाते हैं, एंड द गुड थिंग इज वी डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल ऑफ दैट।
ये सारी जितनी भी चीजें होती है, सर्चेस वगैरह होती है, ये सब सॉलिसिटर के थ्रू होती है यहाँ पे, एंड इट्स अ लीगल रिक्वायरमेंट टू हैव सॉलिसिटर व्हेन यू आर बाइंग और सेलिंग द हाउस. तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप डिफरेंट डिफरेंट जो है कोर्ट्स अपनी लो डिफरेंट सॉलिसिटर से. यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव सॉलिसिटर्स भी है और नॉर्मल रेंज सॉलिसिटर्स भी है. सो यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च, गेट योर कोर्ट्स अकॉर्डिंग टू योर ओन रिक्वायरमेंट्स, जो कि हमने भी किया था. तो अगर आप भी घर खरीद रहे हो या बेच रहे हो तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है. अगर आप किसी एस्टेट एजेंट के थ्रू खरीद रहे हो या बेच रहे हो तो एस्टेट एजेंट के पास भी अपना पैनल ऑफ सॉलिसिटर्स होते हैं, मॉर्गेज एडवाइजर्स होते हैं, जो वो आपको रेकमेंड कर देते हैं. जो उनके रेकमेंडेड सॉलिसिटर्स और मॉर्गेज एडवाइजर होते हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन अगर आप थोड़े से हरी में हो एंड यू वॉन्ट ऑल योर प्रोसेस टू बी अ लिटिल क्विकर, तो उनके रेकमेंडेड सॉलिसिटर और मॉर्गेज एडवाइजर के साथ भी आप जा सकते हो. तो आपका काम जो होता है वो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है. बस अभी बाहर आके बैठे हैं, थोड़ा मौसम वगैरह बहुत अच्छा हो गया यूके में, और बस मेरे को तो थोड़ा सा कहीं पे भी मैं जा रही हूँ ना, क्योंकि आज ही सब कुछ फाइनल हुआ है, तो जहाँ पे भी मैं जा रही हूँ मैं इमोशनल हो जा रही हूँ. अभी गार्डन में बैठी हूँ, आई एम गोना मिस दिस ब्यूटीफुल गार्डन. हमने बहुत अच्छे से हर एक चीज डेकोरेट करी है, छोटी से छोटी चीज यार इमोशनल कर देती है. अब ये जो मेरे प्लांट्स लगे हुए हैं, रोज का प्लांट जो है वो बहुत बड़ा हो गया है, ये विद्या पढ़ाई वाले ट्रीज, मतलब हम इतने इतने से लेकर आए थे और अब ये इतने बड़े हो गए हैं, तो वो सारी चीजें सोच सोच के हम लोग इमोशनल हो रहे हैं. बट इस घर से कुछ ज्यादा अटैचमेंट इसलिए है क्योंकि पहला घर था एवर. बट समटाइम्स वी हैव टू ऑल्सो टेक प्रैक्टिकल डिसीजंस. प्रैक्टिकल डिसीजन लेने लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर चीज हम इमोशनल क्वेश्चन पे नहीं कर सकते. तो बहुत सारे प्रैक्टिकल रीजन थे जिसकी वजह से हमें ये घर सेल करना पड़ रहा है. तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि यार हम लोग ये वाला घर क्यों सेल कर रहे हैं, क्या क्या रीजंस है उसके. वैसे तो हम चाहते थे कि ये वाला घर हम रख ले और किसी तरह हम लोग पैसे सेव करके हम दूसरा घर ले ले. बट जब दूसरा घर आप लेते हो या कोई भी घर आप लेते हो ना, सबसे पहले तो डिपॉजिट अमाउंट आता है जो कि बहुत ज्यादा होता है. अगर आप यहाँ पे वीजा पे हो तो मोस्ट केसेस में वो 25% होता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे परमानेंट हो तो जनरली आप 10% पे भी यहाँ पे घर ले सकते हो. तो जितना भी है डिपॉजिट अमाउंट आपको इकट्ठा करना पड़ता है, और वो उस पर आप लोन नहीं ले सकते कि आपने बैंक से लोन लेके डिपॉजिट दे दिया घर लेने के लिए, ऐसा नहीं कर सकते आप. वो आपकी सेविंग होनी चाहिए. लेकिन जब इस घर को रख कर अगर हम दूसरा घर ले तो उसमें स्टैंप ड्यूटी जो है वो काफी ज्यादा हाई आती है, ऑलमोस्ट डबल आती है. अगर आप फर्स्ट टाइम बायर नहीं हो तो आपको स्टैंप ड्यूटी यूके में देनी पड़ती है. तो हम लोगों के केस में हम लोगों को स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी. तो सबसे पहला रीजन तो यही है कि ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हमें स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी, और वो भी हमारी सेविंग से जाएगी, वो भी हम लोन पे नहीं ले सकते. तो एक डिपॉजिट अमाउंट और एक स्टैंप ड्यूटी अमाउंट, तो इतना ज्यादा पैसे जो है वो हमें स्टार्टिंग में देने पड़ेंगे अगर हम वो वाला घर इस घर को बिना बेचे लेते हैं. तो सबसे बड़ा रीजन ये है. इसके बाद जो अगला रीजन है, तो पहले क्या होता था ना, पहले की मार्केट में जब आप घर अपना रखते थे या रेंट पे डाल देते, मान लो इस घर को हम रखते हैं, इस पे बाय टू लेट वाली जो मॉर्गेज है वो लेते हैं और फिर इसको रेंट पे डालते हैं, तो पहले के टाइम पे जो रेंट था और जो मॉर्गेज थी उसके बीच में जो डिफरेंस था ना वो बहुत ज्यादा होता था. तो जिसका भी घर होता था वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा लेते थे. लेकिन आज के टाइम पे थोड़ा ऐसा नहीं है. इंटरेस्ट रेट्स पहले बहुत ही कम थे, 1.5 तक हमने इंटरेस्ट रेट्स देखे, 1.2 भी हमने इंटरेस्ट रेट देखा है. तो जब आप सोच सकते हो कि 1.2 पे आपकी मॉर्गेज कितनी ही बनेगी और रेंट ऑब्वियसली ज्यादा मिलेगा, तो जो प्रॉफिट मार्जिन होता था ना बिटवीन मॉर्गेज एंड रेंट, इट यूज्ड टू बी क्वाइट हाई. तो हर महीने आप जितना भी है 600-700 pounds या जितना भी आप कमा सकते हो वो आप कमाते थे रेंटल प्रॉपर्टी से. तो अभी ऐसा है नहीं, अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इंटरेस्ट रेट्स अभी बहुत ज्यादा हाई हुए हैं. अभी इस टाइम पे मैं आपको इंटरेस्ट रेट बताऊं तो 5.25 तक इंटरेस्ट रेट अभी पहुंचा पड़ा है. तो आप ये सोचो कि आपकी मॉर्गेज और जो आपका रेंट आएगा, एक्सपेक्टेड रेंट आएगा, उसमें 10% का प्रॉफिट मार्जिन भी नहीं होगा. और जनरली क्या होता है, जब आप बाय टू लेट मॉर्गेज लेते हो ना, तो आप उसमें इंटरेस्ट ओनली मॉर्गेज भी ले सकते हो, कि सिर्फ आप इंटरेस्ट दे रहे हो, आप कैपिटल रीपेमेंट जो है वो पे नहीं कर रहे हो. बट इवन अगर आप इंटरेस्ट भी देते हो ना, तो भी जो है वो मंथली इंटरेस्ट इतना ज्यादा है आज की डेट में, अगर आप बाय टू लेट इस टाइम पे लेते हैं और इतने ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लेते हैं, उसके बाद जो हमारा रेंट आएगा उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है. और जो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा उसमें से, मान लो अगर हम प्रॉपर्टी जो है वो एस्टेट एजेंट के थ्रू मैनेज करें, उनकी फीस अलग जाएगी,
या इसमें मेंटेनेंस का खर्चा अलग जाएगा हर साल का? और आई थिंक मेरे को ये लगता है कि जब कोई और रहता है रेंट पे जिसका घर नहीं है और वो रेंट पे रहता है तो मुझे लगता है मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ होती जाती है। हाँ। जब आप अपने घर में रहते हो आप उसको उस तरीके से मेंटेन करके रखते हो, जब कोई और रहता है तो कभी कुछ टूट रहा है कभी कुछ हो रहा है, सो यू हैव टू बियर ऑल दोज मेंटेनेंस कॉस्ट एज वेल। उसके साथ साथ अगर कोई अप्लायंस खराब हो गया तो आपको रिप्लेस करके देना पड़ेगा, तो हमें उस टाइम पे ये सारी डिस्कशंस करके ये सारी कॉस्ट देख के हमें ये लग रहा था कि इट इज नॉट वर्थ कीपिंग दिस हाउस फॉर एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, क्योंकि पहले के टाइम पे होता है इंटरेस्ट रेट अगर कम होते तो जो प्रॉफिट था उसमें से हम मेंटेनेंस का कॉस्ट निकाल लेते, खर्चे निकाल लेते। लेकिन अभी क्या है कि क्योंकि डिफरेंस ज्यादा है नहीं तो हमें अपनी पॉकेट से देना पड़ सकता है, और ये एक सेकंड रीजन है जो हमने सोचा कि इस घर को अभी फिलहाल के लिए हम सेल कर देते हैं। प्रॉफिट तो छोड़ ही दो, हम जिस हिसाब से हम कैलकुलेशंस हाँ, हमने पूरी कैलकुलेशन कर ली है, अब इवन अपने टैक्स कंसल्टेंट से भी बात करी है। हाँ। अगला पॉइंट जो है वो टैक्स से रिलेटेड है। तो पहले क्या होता था यहाँ पर, मतलब फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मान लो आपकी मॉर्गेज थी 500 पाउंड और आपको रेंट मिल रहा है 1000 पाउंड, तो 1000 में से 500 पाउंड आपने मॉर्गेज दी और उसके बाद जो 500 पाउंड है वो आपका प्रॉफिट हो गया, और जो आपने टैक्स दिया ना वो भी सिर्फ 500 पाउंड पे ही दिया। लेकिन अभी 2020 या 2021 में जो टैक्स ईयर था उसमें गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला था, उसमें ये बोला था कि जितना भी आपका जो रेंट आ रहा है ना, मान लो 1000 पाउंड आपका रेंट है, उस पूरे पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये उन्होंने रूल निकाला था, चाहे वो 500 पाउंड आपका जो मॉर्गेज है वो जा रही है लेकिन आपको टैक्स पूरे पे देना पड़ेगा। तो ये एक रूल था जिसकी वजह से क्या हुआ कि मतलब जो टैक्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। अभी के टाइम पे अगर इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हम देखा जाए तो हमारा मार्जिन कुछ ज्यादा नहीं है, मतलब जितना भी 10% भी मान लो अगर हम प्रॉफिट कमा भी रहे हैं लेकिन हम टैक्स पूरे पे कर रहे हैं और उसमें से मॉर्गेज भी जा रही है वो भी इंटरेस्ट ओनली, तो अकॉर्डिंग टू द टैक्स ब्रैकेट हमें 40% जो है वो टैक्स देना पड़ेगा और वो बहुत ज्यादा टैक्स हो जाता है और प्रॉफिट इतना होगा नहीं, ऊपर से मेंटेनेंस का कॉस्ट, ऊपर से एस्टेट एजेंट का कॉस्ट। अगर आप एस्टेट एजेंट को ना भी इन्वॉल्व करो, अगर आप खुद भी टेनेंट्स जो है वो रख लो, उसमें भी रिस्क होता है क्योंकि एस्टेट एजेंट क्या होता है वो जनरली टेनेंट्स के बैकग्राउंड चेक वगैरह करते हैं, तो जनरली बेटर होता है कि एस्टेट एजेंट के थ्रू ही करो, चाहे वो टेनेंसी ओनली जो एग्रीमेंट है वो ले लो आप। लेकिन उसके बाद भी जो है हमारा जो प्रॉफिट है वो ज्यादा इसमें दिख नहीं रहा अभी हमें, फिलहाल के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से और टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से, तो इसलिए 40% टैक्स हमें देना पड़ जाएगा। तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है कि फिलहाल के लिए हम ये वाला घर जो है वो अभी सेल कर देते हैं, और ऑल्टरनेटिव उसका ये है कि अगर आप कंपनी के नाम पे यहाँ पे अपना घर लेते हो यूके में तो आपको 19% कॉर्पोरेशन टैक्स देना पड़ता है एंड दैट्स इट। सो 19% टैक्स देना पड़ेगा, तो वो फिर हम सोच रहे हैं कि अगर हम कोई हमें ऐसी प्रॉपर्टी देखनी भी है, सेकेंड प्रॉपर्टी देखनी भी है जो रेंटल मार्केट के हिसाब से हम देखें, प्रॉफिट कमाने के हिसाब से देखें, जिसमें हमारा इमोशनल टच ना हो, तो वो फिर हम बाद में देख लेंगे, पहले अपना ये वाला घर जो है वो सेट कर लेते हैं। फिलहाल हमें स्टैम्प ड्यूटी भी कम देनी पड़ेगी और उसके साथ साथ हमें टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा क्योंकि ये घर हम सेल कर देंगे, थोड़े पैसे भी आ जाएंगे यहाँ से, और उसके बाद जो दूसरा घर है वो हम देख लेंगे कि यार हम रेंटल प्रॉपर्टी के हिसाब से देख ले। एक और रीजन था विच इज कैपिटल गेन टैक्स। यहाँ पे एक तो इतने सारे टैक्स होते हैं समझ में ही नहीं आता, हमने जब हम ये रिसर्च कर रहे थे घर को खरीदने बेचने की तब हमें पता लगा कि एक कैपिटल गेन टैक्स भी होता है। तो अगर आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी जो कि आपकी प्राइमरी रेजिडेंस नहीं है, अगर आप उसको बेचते हो उसमें से जो भी प्रॉफिट आता है उसके ऊपर भी आपको एक टैक्स देना पड़ता है। तो फिलहाल तो जब हम इस घर को बेच रहे हैं तो हमें कोई टैक्स पे नहीं करना बिकॉज दिस वॉज आर प्राइमरी रेजिडेंस एंड दिस वॉज आर ओनली हाउस। तो अगर हम इस घर को रख के रेंटल मार्केट में डालने के बाद अगर इस घर को बेचते तो उस पर हमें कैपिटल गेन टैक्स भी देना पड़ता, तो अगेन हमारे प्रॉफिट मार्जिन और कम हो जाता। सो ये सारे रीजन थे जिनकी वजह से हमने सोचा कि अभी फिलहाल इस घर को रखने का हमें फायदा बिल्कुल भी नहीं है एंड लेट्स जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन आर मेन हाउस जो हमारा एक नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ होगा। तो ये सारे रीजंस की वजह से हम लोगों ने सोचा कि हम लोग इस घर को फिलहाल सेल कर देते हैं और दूसरा घर लेते हैं, उस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं और फालतू के टैक्सेस वगैरह से बचते हैं हम लोग। काफी ज्यादा प्रॉफिट तो है नहीं, टैक्स ही देना पड़ेगा हमें, तो हमने सोचा चलो यार इसको सेल ही कर दे। और इट वाज गेटिंग टू कॉम्प्लिकेटेड और हमें इन्वेस्टमेंट भी स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा करनी पड़ती। हाँ। नए घर लेने के लिए अपनी सारी सेविंग्स हम डालते और उसके बाद भी अगर हमें कुछ प्रॉफिट नहीं मिल रहा तो प्रैक्टिकल डिसीजन यही है कि इस घर को बेच दो और अपना नए घर पे कॉन्सेंट्रेट करो और बाद में अगर हमें जो भी डिसीजन इन फ्यूचर इफ वी वॉन्ट टू टेक इट वी विल। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि हमारी बहुत अच्छी ब्यूटिफुल मेमोरीज है इस
घर से और जो भी खरीद रहा है दे विल एंजॉय दिस हाउस एज मच एज वी डिड. सो होपफुली आपको जो ये वीडियो है वो पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी यहाँ पे अगर आप घर खरीद रहे हो या बेचने का प्लान कर रहे हो तो इस वीडियो से आपको हेल्प मिल सकती है. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो तो लाइक करना, डू लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग आवर होम बाइंग सीरीज क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस जो है वो बहुत अच्छी होने वाली और है और मजेदार होने वाली है. तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय.